अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कपकेक। वेरी टेस्टी, वेरी यमी यमी बना है ये कपकेक। इस तरह से बनाइए आप, बहुत अच्छा बनेगा आपका कपकेक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप शुगर पाउडर लिया है मैंने, ऑयल लिया है 1 कप, 4 to 5 स्पून ऑयल है ये। इसी कप से मैं मिल्क भी ऐड करूँगी 1 कप। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम मैदे ले लेंगे। मैदे को हम छान लेंगे। 1 कप मैदा लिया है, 100 ग्राम मैदा है ये। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, छान लीजिए इस तरह से। अब 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 स्पून बेकिंग सोडा लिया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इस तरह से, धीरे धीरे से मिक्स कर लीजिए। 3 to 4 ड्रॉप मैंने वेनिला एसेंस की भी ऐड की है, शूट नहीं कर पाई मैं इसे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा बैटर। अब इसी के साथ कुछ टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैं कटोरी ली है, कटोरी को ऑयल और बटर पेपर से ग्रीस कर रख लिया है। अब इसी के अंदर हम बैटर ऐड कर देंगे, 1/2 कप ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से 100 ग्राम में 3 कप हो चुके हैं मेरे। मेरी कप थोड़ी बड़ी वाली ही है, इस तरह से रख लीजिए इसे। कुछ टूटी फ्रूटी से ऊपर से भी डाल लेंगे। कढ़ाई को मैंने प्री हीट करके रख लिया है 10 से 5 मिनट के लिए। अब इसी के अंदर हम इस तरह से रख लेंगे इसे। 20 to 30 मिनट्स के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर बेक कर लेंगे। देखिए 20 to 30 मिनट्स हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेंगे हम टूट पिन डालकर। देखिए कितने सॉफ्ट, कितनी अच्छे से निकली है टूट पिन। देखिए अच्छे से बेक हो चुका है हमारा कपकेक। अगर आप इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत अच्छे से बनेगा। ठंडा होने के लिए हम रख लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे हम इसे। देखिए कितना ईजी निकल चुका है ये। बटर पेपर निकाल लेंगे हम इसका। देखिए कितना अच्छे से निकला है ये, देखो बहुत अच्छे से बना है हमारा कपकेक। इस तरह से बना कर देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत यम्मी यम्मी बना है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छे से, आसानी से। देखिए अंदर भी कितना अच्छे से हो चुका है आपको ये, इस तरह से देखिए। वाव, बहुत अच्छे से लग रहा है ये, टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।